हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस जे इलेक्ट्रिकल वर्क्स पे। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 6 बे MCB बॉक्स का ड्रेसिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वायर आने के थे हमने सारे वायर को ले आए हैं। ऊपर से हमारा जितना भी वायर आ रहा है वो सारा लोड का है, जिसमें इन्वर्टर, फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थ का है। और नीचे से हमारा 4 वायर आ रहा है जो हमारा मेन पावर सप्लाई उसमें आ रहा है, जिसमें एक इन्वर्टर, एक बॉडी अर्थ, एक फेज और एक न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हमें वायर को अच्छे से वहाँ पर फिक्स करना है। उसके लिए हम यहाँ पर लॉकटाई का यूज़ कर रहे हैं, आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे वायर में काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है और आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छे से वायर एक साइड में कॉर्नर में अच्छे से जाकर सेट हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम सारे वायर को यहाँ पर देख ले रहे हैं हमारा वायर कौन सा आया हुआ है। और ये जो हमने 4 वायर को हाथ में लिया, ये हमारा नीचे से आ रहा है मेन लाइन। तो सबसे पहले हम बॉडी अर्थ का कनेक्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर MCB बॉक्स काफ़ी लो क्वालिटी का यूज़ किया गया था, इसलिए यहाँ पर बॉडी अर्थ के लिए लिंक नहीं दी गई है। तो हमने 4 वायर हमारा यहाँ बॉडी अर्थ का था, जिसमें 3 सर्किट से हमारे 3 रूम से आ रहे थे बॉडी अर्थ के और एक हमारे नीचे से। तो हमने किया यहाँ पर क्या कि चारों बॉडी अर्थ के वायर को एक साथ अच्छे से जॉइंट करके अच्छे से टेपिंग किया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर वायर को छील रहे हैं और यहाँ पर हमने बॉडी अर्थ के लिए 0.75 mm का वायर का हम यूज़ किए हैं। अच्छा होता है, यही चलता है, यह स्टैंडर्ड साइज है बॉडी अर्थ का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चारों वायर को अच्छे से टाइट कर ले रहे हैं और हमें यहाँ पर प्लास की भी यूज़ करनी है, जिससे हमारा वायर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर टेपिंग करेंगे और टेपिंग हमें काफ़ी अच्छे से करना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा भी लूजिंग नहीं रखना है, क्योंकि लूजिंग रहेगा बाद में वायर हिट करेगा और उसके बाद वायर जलेगा और प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। तो यहाँ पर टेपिंग अच्छे से करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्टर के वायर का कनेक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 सर्किट का हमारा इन्वर्टर वायर है और एक नीचे से मेन आ रहा है। तो उन तीनों को हम आपस में बराबर करेंगे अपने अनुसार। उसके बाद हम तीनों वायर को छीलेंगे। उसके बाद उस वायर को भी हम आपस में फुल टाइट करेंगे। हम यहाँ पर इन्वर्टर के लिए भी किसी भी तरह का सेपरेट MCB नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर MCB बॉक्स 6 बे का है और इसमें हम 6 ही MCB लगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर MCB लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो पोल का MCB है, जो एक 40 एम्पेयर के लिए हमारा मेन है, एक 25 एम्पेयर के लिए AC के सर्किट के लिए, और एक 16 एम्पेयर और एक 20 एम्पेयर का हमारा सिंगल पोल का MCB है, जो रूम के सर्किट के लिए है। तो यहाँ पर MCB लगाने में हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने रेल पट्टी को स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से थोड़ा बढ़ाया है और उसके बाद हम MCB को लगाएं। तो MCB लग गई। आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है अगर MCB बॉक्स आपके साइट पे लो क्वालिटी का यूज़ किया हुआ हो। तो उसके बाद हमें एक साइड से स्क्रू ड्राइवर से फैलाना है, उसके बाद हमें MCB बॉक्स को डालना है। उसके बाद आपको हथौड़ा या पिलास के सहायता से हल्के हल्के ठोक कर MCB को अंदर कर लेना है। तो हमारे यहाँ पर सभी का सभी 6 MCB लग चुका है, जिसमें से हमारा तो 2 पोल का है और 2 सिंगल पोल का है। तो इन्वर्टर और बॉडी अर्थ के वायर का जिसका हमने अभी कनेक्शन किया था, उसको हम फिनिशिंग देने के लिए उसमें हम कुछ लॉकटाई लगा ले रहे हैं। और लॉकटाई लगाने के बाद हम वायर को अंदर कर देंगे और उसके बाद हम इसके आगे का वायरिंग करेंगे। तो इसके आगे के वायरिंग करने के लिए देख सकते हैं जो अभी मेरे हाथ में 2 वायर है, या 2 वायर सेपरेट छत से आ रहा है, छत पे एक रूम है उसका सर्किट के लिए है। तो छत के जो एक वायर दो आ रहा है, उसके रेड वायर में हमने एक रेड वायर और जोड़ा है जो 2.5 mm का है। उसके बाद हम मेन MCB के आउटपुट वाले सेक्शन में उसका कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हमें एक ब्लैक वायर और लेना है और जो छत से वायर दो आ रहे हैं उसके ब्लैक वायर में मिलाकर हमें मेन MCB के आइसोलेटर के तरफ उसका कनेक्शन कर देना है। और कनेक्शन करते करते आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का आपको लूजिंग नहीं रखना है। उसके बाद उस 2 वायर को हम AC का जो दो पोल का MCB का हम यूज़ कर रहे हैं, जो 25 एम्पेयर का है, उस MCB के इनपुट वाले सेक्शन में यानी नीचे से हम उसका कनेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले हमने वायर को छील लिया है, वायर को अच्छे से अब हम टाइट करेंगे। तो स्क्रू को हम ढीला कर लिए हैं, उसके बाद हम नीचे में कनेक्शन कर ले रहे हैं।
तो फेज वायर का आपका कनेक्शन ब्लैक साइड होगा एमसीबी के, और ब्लैक वायर जिसमें न्यूट्रल का लाइन है उसको हम रेड साइड करेंगे। और इस बात का आपको काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि यह डबल पोल एमसीबी नहीं है, या एक पोल एमसीबी और एक में आइसोलेटर। उसके बाद हम दो वायर लिए हैं, या दो एसी का वायर है जो एसी का सर्किट आ रहा है, एसी के लिए हमने सेपरेट दो वायर लाए हैं 2.5 mm का। इस पर 2 टन का एसी काफ़ी आसान से चल जाएगा। तो उसके बाद हम उस वायर का भी कनेक्शन कर दिए हैं, स्क्रू को फुल टाइट कर लिए हैं, उसके बाद वायर को फिनिशिंग देने के लिए अंदर में अच्छे से दबा दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर वायर लिए हैं जिसमें देख सकते हैं एक ब्लैक है, दो रेड है, दो रूम के सर्किट है और एक ब्लैक रूम का न्यूट्रल है जो लूप किया हुआ है। तो उसके बाद अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम वायर को यहाँ पर नाप के काट लेते हैं जिससे एमसीबी बॉक्स में काफ़ी अच्छे से कनेक्शन हो जाए। उसके बाद हम एमसीबी में अब कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों वायर को छील लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम सिंगल पोल वाले एमसीबी में उसका कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद जो न्यूट्रल का वायर है उसको हम मेन एमसीबी के न्यूट्रल वाले एरिया में कनेक्शन कर देंगे, जहाँ से हमने पहले दो वायर ब्लैक लगाए थे वहीं हम उसको भी लगा दिए हैं। उसके बाद अब हम फेज वायर का कनेक्शन करेंगे, लेकिन फेज वायर का कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर एमसीबी को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि एमसीबी को बाहर निकालने के बाद कनेक्शन करने में हमको काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद अब हम वहाँ पे रेड वायर को जो रूम के सर्किट से आया है उसको डालकर कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद अब हम सिंगल पोल वाले एमसीबी को अंदर अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें छोटा सा दो वायर लेना है, छोटा सा वायर का टुकड़ा, और उस सिंगल पोल एमसीबी को आपस में लूप करके एक वायर वहां से और निकालना है और मेन एमसीबी के फेज आउटपुट में हमें कनेक्शन कर देना है, जहां से हमें फेज मिल जाएगा सिंगल पोल के एमसीबी के लिए। और उसके बाद अब हम वहाँ पर उसका भी कनेक्शन कर दे रहे हैं। और उसके बाद अब हमारा लास्ट कनेक्शन बचा है जो नीचे से मेन लाइन आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम वायर में फिनिशिंग देने के लिए कुछ लॉकटाई और लगा लेते हैं। उसके बाद वायर को हम अंदर की ओर दबा देते हैं। अब ये देख सकते हैं 4 mm का वायर हमें हमारे पास में है जो एक रेड और एक ब्लैक है। ये हमारा मेन वायर है तो इसका हम कनेक्शन डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम लग लगाएंगे। अगर आपके पास लग अवेलेबल हो तो आप लग लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम दोनों वायर में लग लगा ले रहे हैं, और लग लगाने के बाद हम इसका कनेक्शन मेन एमसीबी के नीचे करेंगे। तो लग लग चुका है, और उसके बाद यह वायर को हमने एमसीबी बॉक्स के अंदर किया। उसके बाद हम मेन एमसीबी के नीचे वाले एरिया में इसका कनेक्शन कर रहे हैं। तो ब्लैक साइड हमने रेड वायर का कनेक्शन किया है, और एमसीबी के रेड साइड में हमने ब्लैक वायर का कनेक्शन किया है। और उसके बाद एमसीबी बॉक्स को फिनिशिंग देने के लिए हमने यहाँ पर कुछ लॉकटाई और लगाए हैं। और वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको इस एमसीबी बॉक्स का टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे, और इस घर के फुल वायरिंग को रन करके भी देखेंगे कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यह देख सकते हैं यह मेन एमसीबी है हमारा 40 एम्पेयर का, जिससे हमने 3 आउटपुट लिया है, जो एक छत पर वायर गया है और एक सिंगल पोल एमसीबी को लूप कर रहा है, और एक फेज वायर हमारे एसी के सर्किट के लिए गया है। उसी तरह से न्यूट्रल का भी हमने 3 वायर निकाला है, जो एक छत पे गया है, एक रूम के सर्किट के लिए गया है, और एक एमसीबी जो एसी के लिए है उसमें गया है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर फुल कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब हम इसके ऊपर एमसीबी बॉक्स का कवर लगाएंगे। तो कवर लगाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी आपके साथ दिक्कत आ सकती है, तो एमसीबी को आप स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से ऊपर नीचे करके एमसीबी बॉक्स के कवर को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 स्क्रू होते हैं, उसे हमें अच्छे से टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी इसमें पावर नहीं दी हुई है, यह हमारा मेन एमसीबी है 40 एम्पेयर का। उसके बगल में हमारा एक 25 एम्पेयर का एसी के लिए है, और यह हमारा 20 एम्पेयर का एक सिंगल पोल है रूम के लिए, और यह एक 16 एम्पेयर का है। तो फिलहाल अभी हम सबको ऑफ करते हैं, उसके बाद अब हम वेट करते हैं पावर सप्लाई आने की। तो दोस्तों अभी हमने मेन पावर सप्लाई दे दी है, अब हम ऑन कर रहे हैं एक एक करके सारे एमसीबी को, और उसके बाद अब हम टेस्टिंग करते हैं पूरे घर में हमारा लाइट आया है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा काम डन हो चुका है, और देख सकते हैं सारे के सारे लाइट जल रहे हैं। अभी हम सारे लाइट को एक एक करके ऑन करेंगे और सभी को टेस्ट करेंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम ला सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में।